लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय अखंडता दिवस के रूप में मनाते हुए गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइन से एक मार्च पास निकाला गया। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस लाइन से निकाली गई मार्च पास में एसएसबी, आरपीएफ, पीएसी, जेटीसी, आरटीसी, पीटर, घुड़सवार, पुलिस वार्निंग कार, वज्रवाहन, फायर सर्विसेज, बैंड, डॉग स्क्वाड, एफएसएल तथा लिटिल फ्लावर स्कूल व सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चों की टोली शामिल रही। परेड पुलिस लाइन से निकली और काली मंदिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से होते हुए गोलघर कचहरी चौक होते हुए पुलिस ऑफिस में समाप्त हुई। इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे सहित पुलिस के अन्य अधिकारी ने काली मंदिर स्थित सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सलामी दी। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि आम जन के भीतर देश की भक्ति की भावना उत्पन्न करने तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के जीवन से प्रेरणा लेने के उद्देश्य से मार्च पास निकाला गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया। Oh,
ये आज राष्ट्रीय अखंडता दिवस हम मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में, और इसमें शासन के निर्देशों के तहत आज शाम को 5 बजे जागरूकता के तहत एक सभी फोर्सेस ने, आपने देखा कि यहाँ पर गोरखपुर में पुलिस लाइन से लेकर पुलिस ऑफिस के बीच में मार्च पास्ट किया है, जिसमें SSB, रेलवे सुरक्षा बल, PAC, जिला पुलिस, हमारी कमांडो यूनिट्स, SOGs, फायर सर्विसेज, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। इसका एक ही मकसद है, और साथ ही साथ बहुत सारे कॉलेजेस ने, जिसमें कॉलेज के बैंड भी थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसका मकसद यही है, देश के प्रति देश प्रेम की भावना, देश की अखंडता और सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए ये किया गया है। और साथ ही साथ हमें अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जयंती को याद करके और देश के वीरों को याद करने के लिए ही ये एक्टिविटी की गई है।